वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य राजीव शुक्ला ने कहा कि चिंतन शिविर में आकर हर नेता नए उत्साह से परिपूर्ण है और अब कांग्रेस को नई दिशा मिलेगी। शिविर में कई अहम फैसले लिए गए हैं जिससे आने वाले आम चुनावों में पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। संगठन के दृष्टि से तमाम फैसले लिए गए और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है जो हम लोग मांग कर रहे थे कि इलेक्शन डिपार्टमेंट बनाया जाए, इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो अब चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाएंगी, जो बहुत जरूरी था। चुनाव का सारा प्रबंधन पहले शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक व्यक्ति, एक पोस्ट, एक परिवार से तुरंत जो है दो दो लोगों को टिकट नहीं मिल सकता है। और ब्लॉक और मंडल कांग्रेस बनेगी, मतलब ग्राम कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के बीच में एक यूनिट और बनेगी। इसके अलावा जो है पद यात्राएं निकाली जाएंगी, भारत जोड़ो अभियान। तो तमाम ऐसे फैसले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। और मुझे लगता है कि इस चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस मजबूत होगी, आगे इसका भविष्य उज्ज्वल।